इस बात को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भारत ने कुछ सालों में बहुत बड़े पैमाने पर मेडिकल डिवाइसेस को विदेशों से आयात किया है, जिसमें शामिल हैं चीन, ताइवान, कोरिया, जापान जैसे देश, जिनके बदले हमने मोटी कमाई भारत से इन देशों को भेजी है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बने तो 2018-19 में $5.7 बिलियन, 2019-20 में $5.84 बिलियन और 2020-21 में $6.24 बिलियन की मेडिकल डिवाइसेस भारत में विदेशों से आयात की गई हैं। स्पेशली 2020-21 की बात की जाए तो कोविड के चलते यहां पर बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया गया है, लेकिन जब भारत हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है तो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन सकता, जिसके लिए सरकार ने भी कई कड़े और ठोस कदम उठाए हैं, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में लगभग 3,420 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को भी प्रमोट किया गया है, जिससे भारत के अंदर मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। जहां पर इस योजना के तहत बहुत सारे छोटे बड़े स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया है, यहां तक कि टाटा जैसी कंपनियों ने भी यहां पर पार्टिसिपेट करा है, जिसके लिए भारत की एक बहुत बड़ी IT कंपनी जिसका नाम है विप्रो, वो अब भारत में कई प्रकार की मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विप्रो 67 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहीं हाल ही में कंपनी ने एक मेड इन इंडिया बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन की CT यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर को लॉन्च किया है, जिसे हम CT स्कैन के नाम से भी जानते हैं। इस मशीन को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सभी भारतीय हैं और इसको लॉन्च किया गया है विप्रो JEE मेडिकल डिवाइसेस की तरफ से, जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी विप्रो JEE मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर की गई है और ये आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पहली और बड़ी शुरुआत है। जहां पर कंपनी के मुताबिक इंपोर्ट किए जाने वाली मशीन के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा एडवांस है और ये 50% ज्यादा हायर एफिशिएंसी के साथ काम करती है। वहीं कंपनी ने इस सिस्टम के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवांस और हायर इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट सिस्टम को भी लगाया है, जो इंपोर्ट हुई टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस है, और कंपनी अपनी यूनिट के अंदर कई और प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुकी है, जिनकी लॉन्चिंग भी बहुत जल्द होने वाली है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो चीन में तो कोरोना ने बेहाल कर दिया है लोगों को और भारत के अंदर भी अपने पैर पसार रहा है, तो अब हमारे हेल्थ सेक्टर को भी और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है, जहां पर ऐसी भारतीय कंपनियां बहुत बड़ा योगदान देने वाली हैं। सो विप्रो के इस नए डिसीजन के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।